हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शकुन्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक जैम की रेसिपी। वो जैम है एप्पल और पपीते का जैम। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो एप्पल और आधा किलो पपीता लिया है। इसके लिए हमने हार्ड जूसी एप्पल नहीं लेना बल्कि सॉफ्ट वाला एप्पल लेना है। तो इसको हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। गैस हमने पहले ही जला दी है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सिम पर सिमर करते रहेंगे और ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। एप्पल और पपीता सॉफ्ट हो गए हैं तो इनको हम मैश कर लेते हैं। या तो हम मैशर से मैश कर सकते हैं या ब्लेंडर से या मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो मैं इसको ब्लेंडर से ही मैश कर दूंगी। मैश करने के बाद मिक्सर कुछ इस तरह दिख रहा है। इसमें अब मैं चीनी डालने लगी हूँ। चीनी मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब डाली है। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सिनेमन डालूंगी। सिनेमन और एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एंड में इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालना है। अगर आपने ज्यादा देर तक रखना है तो इसमें सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि ये थोड़ी अमाउंट है, घर में हम अपने लिए खाते हैं तो फ्रिज में इसको 2 महीने तक 3 महीने तक आराम से रखा जा सकता है। हमारा जैम बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इसका प्लेट टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये प्लेट से फ्लो नहीं कर रहा, प्लेट को स्टिक कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जैम तैयार हो गया। इसको कांच के जार में भर लीजिए थोड़ा ठंडा होने पर। तो हमारा एप्पल और पपाया जैम तैयार हो गया। आप बनाकर खाकर देखिए कि इसमें दालचीनी की जो खुशबू है कितनी अच्छी लग रही है और कैसे मैच कर रही है एप्पल के साथ। तो अपने परिवार और बच्चों के लिए घर पर ही बनाइए जैम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।